इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए यहाँ पर एक 3 साल का बच्चा है जो 1 तारीख के दिन जिसका स्वैब लिया गया था और वो स्वैब में पॉजिटिव आया था करके बताया गया है। 1 तारीख के बाद 9 तारीख तक ये बच्चा अपने ही घर के अंदर सेल्फ क्वारंटाइन के अंदर है। 3 साल का छोटा बच्चा है तो उसे आज ले जाने के लिए यहाँ पर टीम आई थी, लेकिन लोगों का रेजिस्टेंस इस बात के ऊपर है कि 1 तारीख का अगर था तो अभी इसको ले जाने का क्या है, 10 दिन के करीब होने आ रहे हैं, 2 दिन के बाद उसका दूसरा स्वैब टेस्ट लिया जाना है। लोगों का जो विरोध है और जो हमने बार बार प्रशासन को, पुलिस को, हर एक को बताया है, मुख्यमंत्री साहब को खुद मैंने बताया हूँ कि साहब अगर आप मेरा स्वैब टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आप मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कब तक है तो पुलिस का बल का इस्तेमाल करेंगे, ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच का है तो मामला है, इसके अंदर आप फौज फौटा बिल्कुल लेके आएंगे, पुलिस का है तो आप प्रेशर लेके आके अगर लेकर जाएंगे तो लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये हमको भी हैंडल करना है, प्रशासन को भी हैंडल करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, पुलिस को हैंडल करना है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। ये कोई चोर उच्चे लुच्चे लफंगे नहीं है कि जिसको है तो आप है तो पुलिस लेके आएंगे और उठाकर इस तरह से लेके जाएंगे करके, आप उनको काउंसिलिंग करिएगा, उनको बताइएगा। तो हमने भी जाके है तो उनके पेरेंट्स है वो से बात किए हैं और जब पूरी तरह से कन्विंस हुए हैं, हम खुद नहीं चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई डिसीजन हो कि जिसके एक बच्चे की वजह से है तो पूरा ये है, लेकिन वो बच्चा खुद है तो 10 दिन से अपने घर के अंदर बंद है, 2 दिन के बाद उसका दूसरा स्वैब टेस्ट लिया जाना है, बिल्कुल दूसरे स्वैब टेस्ट के लिए वो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ये किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से ये है, और अगर इस तरह की अगर यही हरकतें चलते रहेगी तो लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और उसके अंदर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसी सूरत के अंदर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो और जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के हिसाब से अगर पूरा रहा तो यकीनन लोग उसके लिए कॉपरेट करेंगे। सर एक बात बताइए, अभी जो पॉजिटिव जो हो रहा है, जो पेशेंट आ रहा है, तो उसमें रिपोर्ट दिखाया जाएगा सर? अभी देखिए ये चीज मैंने मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग के अंदर भी ये रखा था कि रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है। अगर इम्तियाज अलीम का अगर टेस्ट किया जा रहा है मैं पॉजिटिव हूं या निगेटिव हूं, वो रिपोर्ट आप मेरे हाथ में दीजिए। अगर मैं कन्विंस नहीं होता हूं, मैं किसी प्राइवेट टेस्ट से है तो मेरा दूसरा स्वैब टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं देना ये एक कहीं ना कहीं एक शक पैदा कर रहा है। इसीलिए हम साफ तरीके से ये कह रहे हैं जहां पर भी अब ये केसेस जाएंगे वहां पर है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट के अंदर पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है।